दिल्ली के छतरपुर स्थित शनिधाम के संस्थापक दाती महाराज उर्फ मदन लाल ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस को एक बयान दिया और इस बयान को सुनकर दिल्ली पुलिस के होश उड़ गए और दिल्ली पुलिस सोचने पर मजबूर हो गई। जानकारी देते चले कि मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश के लिए दाती महाराज को करीब 5 घंटे तक बैठा कर रखा। उसमें उसने सबसे पहले तो अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं वो जमीनी विवाद को लेकर लगे हैं। आगे बाबा ने कहा कि युवती को किसी ने भटका दिया है और ऐसा सचिन जैन नाम का शख्स कर रहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बयान था बाबा का वो ये था कि बाबा ने कहा कि वो नागा बाबा है और नागा साधु कभी इस तरह का काम कर ही नहीं सकते, उन्हें शारीरिक संबंध बनाना अलाउड ही नहीं होता। आपको जानकारी दे दें कि 7 घंटे की पूछताछ के बाद बाबा को आखिरकार छोड़ दिया गया। लेकिन वहीं राजस्थान महिला आयोग अब इसे लेकर और ज्यादा सचेत हो गया है। जानकारी दे दें कि राजस्थान के पाली में बाबा का एक आश्रम है जहां बहुत सी महिलाएं सेवादार के रूप में कार्यरत हैं।